फ्रेंड्स, माय नेम इज कार्ल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम सैनिक स्कूल, आरएएमसी, मिलिट्री स्कूल की बात ना करके हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी, यूपी सैनिक स्कूल से बच्चा कहां पहुंचता है। तो ये अगर पड़ाव मान लें एसएस, आरएमएस, यूपीएसएस और आरएएमसी है तो यहां से बच्चा जाएगा लॉजिकली एनडीए। अब बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं जो यहां तक की जर्नी उनको क्लियर है लेकिन ये जो अगला पड़ाव है ये क्लियर नहीं है। तो ये सभी जो हैं आपको किसकी तैयारी कराने, एनडीए की तैयारी कराने। अब एनडीए क्या है, एनडीए का एग्जाम कब होगा, क्या हमारे चांसेस हैं सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, आरएएमसी में जाने के, तो मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो बहुत छोटा वीडियो है, इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मैंने 1989 में एनडीए ज्वाइन किया और हम 400 लोगों में से तकरीबन 400 थे, अराउंड 150 जो हैं वो इन सब इंस्टीट्यूशन से मिलके वहां एनडीए पहुंचे। मतलब मान लीजिए कि देश में अगर 10,000, 12,000, 15,000 स्कूल्स हैं, उससे बहुत ज्यादा हैं, मैं केवल 15,000 मान के चलता हूं, उस वहां से आए 250 लोग और ये जो है एसएस कितने हमारे टाइम पे कम होते थे, अभी 33 मान लीजिए, आरएमएस 5 मान लीजिए, यूपी साइंस स्कूल 1 होता था और आरएमसी 1 होता था, तो 33-38 टोटल 40 स्कूलों से 150 बच्चे आते हैं। इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपको फर्क पता लग जाएगा कि इन स्कूल्स में पढ़ के एनडीए पर क्या फर्क पड़ता है। तो एक बहुत अच्छा रीजनेबल तरीका है, यहां पर 6th और 9th में लिया जाता है सैनिक स्कूल, आरएमएस एंड यूपी सैनिक स्कूल में, आरएएमसी में बच्चे को 8th में लिया जाता है। तो इतने साल पढ़ के उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, 11th एंड 12th में फोकस तैयारी कराते हैं एनडीए की। और एनडीए अगर आप यहां नहीं भी जाते तब भी आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, उसका तरीका बताऊंगा, क्या क्या चीजें आपने दिमाग में रखनी है वो बताऊंगा। वो पेरेंट जिनके बच्चे 9th का भी एग्जाम दे चुके हैं, अब इसी चैनल पर हम एनडीए, सीडीएस इसकी भी जानकारी देंगे और बताएंगे। मेरा इंस्टीट्यूट देहरादून में हम एनडीए के कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, सीडीएस के कोर्सेज करते हैं, एसएसबी की तैयारी कराते हैं, इस सब के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सीधा साधन क्या है, 7417656633, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर, मोटी मोटी जानकारी मैं एनडीए के बारे में दूंगा आपको, यहां से नहीं करेंगे, यहां से क्लिक कर। तो एनडीए क्या है, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एक ही आदेश। और कहां पर है, खड़कवासला पुणे में। पुणे से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो मैंने टाई पहनी है ये एनडीए की टाई है और बड़ी प्रेस्टीजियस है, बड़ा मजा आता है इसको पहनने। मैंने एनडीए ज्वाइन किया 1989 में और वहां से पास आउट हुआ मैं 1992 में। 1992 में मैंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन किया और 1993 से यहां पर कंधे पर एक स्टार लगा के सेकंड लेफ्टिनेंट साहब बन के हमने अपनी बटालियन ज्वाइन की। ये 4 साल की ट्रेनिंग काफी लंबा समय है। मैं तो केंद्रीय विद्यालय से गया, मैं तो सैनिक स्कूल नहीं गया, मिलिट्री स्कूल नहीं गया, लेकिन मैं अपना ऑब्जर्वेशन मैंने हर वीडियो में बताता हूं कि जो सैनिक स्कूल से, आरएएमसी से, ऐसे स्कूलों से जो बच्चे आते हैं वो हमसे बहुत आगे। अगर ये एनडीए का सफर इतने सारे टेस्ट पास करने हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल, आरएएमसी वाले बच्चे यहां से शुरू करते हैं, उनके लिए एनडीए इतना आसान भी नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो फिजिकली बड़े फिट होते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वहां पर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग उनको जरूरत नहीं पड़ती। हम तो रोते ही रहते हैं पहले 6 महीने, तो ऐसा लगता है कि जैसे मौका मिलेगा यहां से भाग जाएंगे, इतना टफ रूटीन होता है। तो सैनिक स्कूल ये एडवांटेज देते हैं आपको, बाकी सैनिक स्कूल जाए ना जाए वो मैं आपके ऊपर छोड़ूं। एनडीए में जो सिलेक्शन है उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने 9th में सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया और वो नहीं हुआ या हो गए, अब आगे मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो एनडीए एक नेचुरल ऑप्शन है, और पहले मैं कहता था कि कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनडीए जाने के लिए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि 11वीं और 12वीं में आपने पीसीएम, ये अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं, मैथ्स पढ़ना आवश्यक है, फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री तो बीच में डाला क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स 12वीं तक मैंडेटरी है। यदि आप एनडीए के थ्रू आईएएफ
और इंडियन नेवी जाना चाहते हैं तो आर्मी वाले में तो सब लोग एक्सेप्टेड हैं, आर्मी का दिल बहुत बड़ा है। आपने कॉमर्स पढ़ा, आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी, आप आर्मी कैडेट के रूप में इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिजिक्स मैथ्स पढ़ा है तो आप आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए चॉइस कर सकते हैं। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल के महीने में और सितंबर के महीने में। इसको कहा जाता है NDA 1 और इसको NDA 2। जब आप एनडीए का एग्जाम देते हैं तो 12वीं में जब बच्चा पहुंच जाता है, सितंबर के महीने में NDA 2 एग्जाम दे सकता है। एनडीए के समय जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तब आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। बहुत बड़ा ब्रैकेट है, 6 बार दे सकते हैं। तो 6 चांसेस अगर आपके पास हैं तो सबसे पहला चांस कब है? जब आप 12वीं में हैं। 12वीं में जब आप हैं तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, ये पहली चीज। अब एनडीए का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है इसको मैं क्लियर कर देता हूं। एक संस्था है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, और इसकी साइट है upsc.gov.in। अब आपने इस वीडियो में मैं यहीं पर रोक दूंगा, आपने क्या करना है, जाना है इस वेबसाइट पर और इस वेबसाइट के साथ थोड़ा खेलना है, उसको एक्सप्लोर करना है। उसमें एनडीए की डेट है, उसमें एनडीए की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। कौन लोग? जिनके बच्चे 9th, 10th, 11th एंड 12th में हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए, 8वीं वाला बच्चा तो अभी भी साइंस स्कूल का एग्जाम दे सकता है, लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th वाले, और मैं चाहूंगा कि एनडीए की तैयारी करनी है, 2 ही पेपर होते हैं उसमें और बड़े सिंपल पेपर होते हैं। एक होता है मैथ्स का 300 नंबर का और एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट JET जो कि होता है 600 मार्क्स का, और कट ऑफ जाता है 450, मतलब 900 में से आधे भी नंबर आ गए तो आप एनडीए में सेलेक्ट। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। अगर 9वीं में बच्चा इंग्लिश की तैयारी शुरू करता है, ये जो 600 में से 200 मार्क्स इंग्लिश के ही हैं। अब आप हो गया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो मैं चाहूंगा अगला 1 महीना हम एनडीए के वेरियस उस पर बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए पेरेंट्स हैं हम उन्हें केवल साइंस स्कूल तक लाकर ना छोड़ दें बल्कि उससे भी आगे ले जाए। अब जिनके बच्चे 12वीं में एनडीए की चांसेस खत्म हो गए, ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया, उनके लिए मैं CDS की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, SSB की तैयारी कैसे कर रहे हैं वो बताऊंगा, GK कैसे पढ़ाए वो बताऊंगा, पेपर पैटर्न एनालाइज करूंगा, जो जो हम सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए करते थे वो भी हम एनडीए के लिए करेंगे। कारण क्या है कि देहरादून में जो हमारा इंस्टीट्यूट है हम एनडीए की रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करते हैं ऑफलाइन। तो अगर आप और आपके बच्चे में दम है तो मैं चाहूंगा 11वीं एंड 12वीं, महंगा पड़ता है, अगर आपका देहरादून में रहने का है तो फिर कोई, लेकिन अगर बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है वो कॉस्टली आता है, कॉस्ट फैक्टर आपको दिमाग में रख। और ये ऐसे हैं ऑनलाइन में सैनिक स्कूल के बच्चे, बहुत छोटी क्लास है, बहुत कम सिलेबस है, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा। तो अगर आप देहरादून में वैसे ही 70-80 इंस्टीट्यूट हैं, आए आप हमारे हमारे पास आएंगे और हम 2-3 इंस्टीट्यूट और भी देखने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं कि यार वहां जाओ वो हमसे भी अच्छे हैं आप वहां ज्वाइन कर लो। लेकिन अभी जो हमारी एनडीए की जो टीम है बहुत तगड़ी है, और सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर मौजूद रहता हूँ तो मेरी निगरानी में ट्रेनिंग होती है, बहुत सारा फर्क पड़ता है, बच्चे देख देख के काफी कुछ सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एनडीए के बारे में अब सीरियसली आप लोग सोचें, क्योंकि एनडीए का जो एग्जाम होता है 12वीं में, जब आपका बच्चा उसने 12वीं का बोर्ड भी देना है तो उससे पहले ही अगर हम तैयारी के बारे में जानकारी ले लें, 9th में क्या पढ़ना है, 10th में क्या पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, क्योंकि जो गणित है वो 10th, 11th, 12th के लेवल की आती है, बाकी सब 10th लेवल का ही है, इंग्लिश 10th लेवल की है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। अब आप जब यूपीएससी की वेबसाइट पे गए यहां पर एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, आप उनको भी डाउनलोड कर लें और अपने शेयर, अगर वो 10वीं में है तो उसको बोलो बेटा ये पेपर देखना, इसमें से कोई सवाल एक आधा हो रहा है तेरे से, आप देखेंगे 10 से 15% सवाल बच्चा अभी भी कर सकते। तो इस प्रकार आपने धीरे धीरे बच्चे को ओरिएंट करना। अब एनडीए में क्या है, जो नेवी और एयरफोर्स वाले हैं उनको बीटेक के पहले 3 साल कराए जाते हैं। नेवी एयरफोर्स में तो बिना बीटेक के आपको एनडीए के थ्रू ले ही नहीं रहे, तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री आपको साथ में मिलती है एनडीए के साथ साथ। और आर्मी वाले हैं मेरी तरह, वो BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं,
बीए कर सकते हैं और नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं, उनका तीन ऑप्शन है। लेकिन जो नेवी और एयरफोर्स के हैं उनको कंपलसरी बीटेक करना है, इसलिए उनके लिए फिजिक्स और मैथ्स का पढ़ना जरूरी है। उसके बाद भी यदि आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स एंड मैथ्स अगर आपने 12वीं तक पढ़ी है आपके लिए बहुत सारी ब्रांचेस ओपन होती हैं। अगर नहीं पढ़ी आपने गणित 12वीं तक तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहां पर आपके लिए वैकेंसीज नहीं। एनडीए में 4 साल रहने के बाद, 3 साल रहने के बाद आप जाते हैं 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी एकेडमी। तो एनडीए में हम सब आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग इकट्ठी होती है और एनडीए से पास आउट होने के बाद हम अपना आर्मी वाले आईएमए जाते हैं, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स अकेडमी जाते हैं, नेवी वाले नेवल अकेडमी। लेकिन ये भाईचारा जो एनडीए में 3 साल में हम जनरेट करते हैं वो पूरी जीवन भर हमारे साथ चलता है। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है एनडीए के बारे में, लाइफ के बारे में, एसएसबी के बारे में, तैयारी कैसे करें उसके बारे में आपके दिमाग में बहुत प्रश्न होंगे। मैं दोबारा से अपना नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है यहां पर लिख भी देता हूं बड़ा बड़ा, इस पर आपने केवल 7417655633 इस पर मुझे व्हाट्सएप करना है। और यदि आपका बच्चा अप्रैल में या सितंबर में एनडीए का एग्जाम देने वाला है तो पक्का संपर्क करें, ऑफलाइन यहां पर कोर्स ज्वाइन करें। और जिनके बच्चे अभी 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे इस बारी, वो सीरियसली सोचें कि अगर हमें द विनिंग एज के थ्रू एनडीए की तैयारी करनी है तो आप आके विजिट पक्का करें, हमसे जाने, यहाँ पर आके हमारे साथ चाय पीने कोई चार्जेस नहीं है। मुझे अच्छा लगता है अगर पेरेंट्स आते हैं और हमसे बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।